हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स, चैप्टर है 1 नंबर सिस्टम्स। ये है सुपर सम्स 5। इस हेडिंग्स के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बच्चे जो फुल मार्क्स लाने के एस्पिरेंट्स हो उनके लिए ये सम्स बहुत यूजफुल होगा। अब क्वेश्चन है पहला, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। तो इसमें हम क्या देखते हैं, माइनस दिया हुआ है -16, तो ये माइनस देख करके टेंशन नहीं करना है, घबराना नहीं है। इसका सॉल्यूशन वैसा ही होगा जो बिना माइनस का साइन वाला अगर कोई फ्रैक्शन है उसका जैसे होगा। तो लिखते हैं इसमें आंसर में, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करेंगे, 45 से डिवाइड कर देंगे 16 को। यहाँ क्या करेंगे, लीव माइनस साइन, माइनस साइन को छोड़ देंगे अभी, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, 16 में 45 से नहीं लगेगा तो जीरो डाल देंगे, एक जीरो यहाँ डालेंगे तो यहाँ डिसमल डालेंगे। ये कितना टाइम लगेगा, 45 लग जाएगा 3 टाइम में, 4 3 12 होता है तो ये आ जाएगा 16 है तो यहाँ डाल देंगे 3, तो ये हो जाएगा 5 3 15, हैंड में 1 12 और 1 13। माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, जीरो डालेंगे 250 होगा, तो ये 5 से लग जाएगा क्योंकि 450 होगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, उसका हाफ हो जाएगा 225, तो ये 5 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 225। माइनस कर देंगे यहाँ तो फिर 25 हो गया, फिर जीरो डालेंगे फिर 5 होगा, फिर लग जाएगा 225, फिर 25 होगा, इस तरह से 5 5 होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 16, सो 16/45, यहाँ हमने माइनस नहीं लिखा है, 16/45 इज इक्वल टू 0.3555, सो ऑन इक्वल टू हो जाएगा 0.35 पर बार आ जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हमको लिखना है तो क्या करेंगे, ऐड माइनस साइन नाउ, अब माइनस साइन ऐड कर देंगे तो हेंस -16/45 विल बी इक्वल टू -0.35 पर रिकरिंग 5 पर बार, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.001 पर बार एज ए फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको करना है, तो इसका आंसर क्या करेंगे, ये हम जानते हैं कि जितना डेसिमल के बाद नंबर होता है वन पर उतना ही जीरो डाल करके इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले कोई भी अगर सवाल में ऐसा सवाल आए एक्सप्रेस करने वाला, तो उसमें सबसे पहला काम मेरा क्या है, जो लेट एक्स इजकल टू 0.001, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। इसको हम मान लेंगे क्या, 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 1। अब ये हम देखते हैं कि डिसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, इसलिए 1 पर 30 डाल करके माना 1000 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, ठीक है, दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 में 30 है, 1000 में तो 1 2 3 0 से 3 डिसिमल रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 001 इस साइड आ जाएगा, तो 001 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे 1 लिखते हैं, और ये तो ऐसे ही, ये तो अनंत समय के लिए है जब तक चलता रहेगा, तो ऐसा ही इसको फिर लिख देंगे 001001001 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा, इसको लिख देंगे 2 नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ये पहला जो है एक्स वाला, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2,
ठीक है, तो यही सब्ट्रैक्ट करते, दो तो यही है, इसमें से वन यहाँ लिख के सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स डाल देंगे यहाँ पर, यहाँ क्या डाल देंगे, जीरो है तो यहाँ जीरो डाल देंगे, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थाउजेंड एक्स में से एक एक्स चला जाएगा तो 999 एक्स हो गया, 999 हो जाएगा, थाउजेंड में से वन चला गया तो, ठीक है, और इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो वन में से जीरो गया तो वन हो गया, और इधर तो सब जीरो ही हो जाएगा, जीरो में से जीरो, वन में से वन, तो ये सब जीरो हो गया, तो 999 एक्स इजकल टू वन, इसलिए एक्स इजकल टू 1/999, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, किसको करना है, ये करना है 3.2435 35 35 एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो आंसर में लिख देंगे, इसमें भी क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें ये 3 5 क्या है, रिपीटिंग नंबर है, 3 5 रिपीटिंग है, माने बार के अंदर आएगा, और 2 4 जो है इस पर रिपीटिंग नहीं है, सिंपल डिसमल है, ये फ्री है बार से, तो इसलिए पहले इस 2 4 को डिसमल के इधर लाएंगे, तो 2 4 को इधर लाने के लिए क्या करेंगे, 2 डिसमल है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सबसे पहले जो भी सवाल देते हैं उसको लेट एक्स इजकल टू इतना लिखते हैं पहला लाइन, तो लिख देंगे लेट 3.2435 35 35 एंड सो ऑन इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। ठीक है, तो 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स 100 एक्स हो जाएगा, इस साइड कर देते हैं इसको 100 एक्स, और इसको करेंगे 100 तो 2 डिसमल 2 जीरो है तो इधर आ जाएगा, तो 324 हो गया, अब 0.353535 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब फिर हमको 3 5 को लाना है इधर, तो क्या करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स अगेन, फिर करना है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे क्या, 1 मान लेंगे, इक्वेशन क्या हो गया ये 1। ठीक है, तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 पर 20 और 2040 2 3 4 40 हो गया, ये x हो गया, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 फिर 2 डिसमल इधर चलाएगा, आगे आ जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड के साइड में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग साइड में आ जाएगा, तो 3 2 4 3 5 आ गया, और 3 5 3 5 3 5 तो अनगिनत है, इसलिए उसको 3 है, लोग समझते हैं क्या स्टूडेंट, जो 2 इधर आ गया तो 2 ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 ही नहीं है, यहाँ तो अनंत स्टॉक है, इसमें हमेशा 3 5 3 5 है, अगर एक ले भी लेते हैं फिर भी तो उतना ही रहेगा, इसलिए इसको 3 बार ही लिखते हैं, 3 5 आ गया तो 3 5 3 5 3 5, अभी तो और भी बहुत सारा है लेकिन इतना ही लिखते हैं, इससे कम चलेगा, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये हो गया 2, तो लिख देंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से माइनस कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा नीचे, माइनस 100 एक्स हो गया यहाँ, ये 1 में है 100 एक्स इजकल टू कितना है, 324 324.35 35 35 ऐसे ही रहेगा, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 10,000 में से 100 चला गया तो 9,900 हो गया, एक्स का एक्स हो गया, अब इसमें माइनस करेंगे तो इधर तो सब जीरो हो गया, 3 5 3 5 3 5 इधर का तो काउंट ही कुछ नहीं करना है, अब 5 में से 4 गया 1 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, और ये 3 2। ठीक है, तो 3 2 1 1 1 हो गया, तो इसलिए x इजकल टू कितना हो जाएगा, इसमें 9900 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इजकल टू हो जाएगा 3 2 1 1 1 बाई
9900 यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा।